पत्नी ने ही मिलकर किया था पत्नी के प्रेमी की हत्या। शव को सहजनवा थाने की पुलिस ने किया बरामद। पुलिस ने आरोपी पति और पत्नी को किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल डंडा किया बरामद। एसएसपी ने किया खुलासा। हत्या व हत्या के प्रयास, बलात्कार एवं सामूहिक बलात्कार के आरोपी व 10,000 रुपए के इनामी अपराधी राज निषाद को राजघाट थाने की पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान किया घायल। गिरफ्तार कर इलाज के लिए हॉस्पिटल में करवाया भर्ती। एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करने पर भाजपा महानगर व जिला के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में नगर निगम से पदयात्रा निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री का फूका पुतला। कहा, पीएम मोदी पूरे भारतीयों की है शान, विश्व के है नेता, उनका अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। गोरखपुर में होगा देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो। काकोरी के बलिदानियों की याद में 750 ड्रोन के रंग बिरंगी आभा में जीवंत होंगी जंगे आजादी की गाथा। 19 दिसंबर को महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क में होगा भव्य आयोजन। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय व उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल संघ के संयुक्त तत्वावधान में सब जूनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता बालक वर्ग का भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने किया शुभारंभ। कहा, भारत व प्रदेश सरकार खेलों को दे रही है बढ़ावा। अब गांव के खिलाड़ी प्रतियोगिताओं में दिखा रहे हैं अपनी प्रतिभा, देश का नाम कर रहे हैं रोशन। तहसील सदर में एसडीएम नेहा बंधु की अध्यक्षता में तहसील समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, अधिकतर मामले आए भूमि विवाद व पुलिस विभाग से संबंधित, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए निर्देश। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के तत्वावधान में महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर पुरातन छात्र सम्मेलन का किया गया आयोजन। 1972 व 1997 बैच के पुरातन छात्रों को स्मृति चिन्ह देकर किया गया उन्हें सम्मानित।